नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ फिजिकल एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे JCR टेस्ट। JCR टेस्ट का परिचय, इस परीक्षण को ई फिलिप्स यानी बर्नेथ ई फिलिप्स ने 1947 में बनाया। ई फिलिप्स ज़्यादा याद रख सकते हैं। इस परीक्षण को सबसे पहले आफर की शोध पत्रिका रिसर्च क्वार्टरली में प्रकाशित कराया गया। यह परीक्षण मोटर फिटनेस के परीक्षणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परीक्षण का नाम तीन अक्षरों ने JCR से मिलकर बना है। इसका होता है जंपिंग एंड चिनिंग एंड रनिंग। ठीक है, तो यहाँ जंपिंग से तात्पर्य है वर्टिकल जंप और चिनिंग से है चिनअप्स एंड पुलअप्स से है, तथा रनिंग से तात्पर्य शटल रन से है। तो चिनअप मतलब चिनअप या पुलअप्स ना, दोनों होता है, चिनअप या पुलअप उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें पहला उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति की गामक क्षमता योग्यता को मापना, जिससे पैरों की शक्ति, हाथों की शक्ति एवं सहनशीलता तथा गति एवं चपलता आदि सम्मिलित हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या करना है, इसका जो है कर्ता कॉलेज के छात्र पुरुष। कॉलेज से तात्पर्य है 11th 12th के बच्चे हैं ना। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी 0.91 से लेकर के 0.97 तक इसकी रिलायबिलिटी होगी, विश्वसनीयता होगा। ठीक है, माइनस वर्टिकल जंप उद्देश्य है पैरों की मांसपेशियों विस्फोट शक्ति को मापना। टेस्ट एरिया एक दीवार पर मापन स्केल एक औसत ऊंचाई के ऊपर अंकित किया जाता है। तीसरा प्रशिक्षण प्रक्रिया या विवरण, कर्ता दीवार के पास वाले हाथ दीवार पर अंकित मापन स्केल को छूता है और उस जगह पर पेंसिल या चौक से निशान लगा दिया जाता है। परीक्षक के संकेत करते ही करता ऊपर की तरफ दीवार के समानांतर जंप करता है और अधिक ऊंचाई पर हाथों की उंगलियों से छूने का प्रयास करता है। इस दौरान उसके हाथ पर पाउडर, जिससे कि निशान साफ दिखाई दे, स्कोर किया जाता है। इसमें स्कोर चिन्ह और अंतिम चिन्ह का अंतर ही उसका स्कोर होता है और करता को तीन अवसर दिए जाते हैं और सबसे अंतिम अवसर को स्कोर होते मापन किया जाता है। चिनअप्स भुजा तथा कंधों की मांसपेशी की शक्ति तथा सहनशीलता का मापन। इसमें खाली जगह पर हॉरिजॉन्टल बार का स्थापित या लगा होना। नेक्स्ट जो है उसमें मैं आप लोग को पूरा वो करके दिखाऊंगा, ड्राइंग करके दिखाऊंगा स्क्रीन पर, तो इसमें अभी नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग को और ज़्यादा समझ आएगा। इसमें विवरण है, इसमें कर्ता हाथों को हॉरिजॉन्टल बार में ओवरहैंड ग्रिप से पकड़ाता है और परीक्षक के संकेत पर वह अपने शरीर ऊपर तरफ इतना ले जाता है कि जितना कि उसकी थोड़ी मतलब दाढ़ी का जो यहाँ पर रहता है चिन वो बार के ऊपर दिखाई दे, फिर वह पूर्व स्थिति में आता है। ठीक है, स्कोर कैसे होता है, इसका चिनअप्स की अंक दिया जाता है। इसी प्रकार चिनअप्स होते ही कर्ता का उतने ही अंक दिए जाते हैं, वहीं इसका स्कोर होता है। ओके, शटल रन है इसमें, क्या मेन लास्ट है। शरीर की गति का
एवं चपलता को मापना। इसमें परीक्षण क्षेत्र यानी टेस्ट एरिया एक समतल मैदान पर 10 गज के अंतराल पर दो रेखाएं खींची जाती हैं जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक रेखा स्टार्ट लाइन एवं दूसरी रिटर्निंग लाइन कहलाती हैं। परीक्षण प्रक्रिया विवरण कर्ता प्रारंभिक लाइन के पीछे खड़ा होता है। संकेत मिलने के पश्चात कर्ता रिटर्निंग लाइन तक जाकर उसे छूता है, पुनः प्रारंभिक लाइन की तरफ वापस आता है। इस प्रकार आना जाना 5 बार दोहराया जाता है। कुल दूरी 100 गज की होती हैं हो जाती हैं। ठीक है, इसमें कई जगह 100 को कम लिखा रहता है तो ध्यान देंगे 100 गज होती है। स्कोर शटल रन में लगा हुआ कुल समय में इसका स्कोर होता है 20 मीटर, मतलब आपका 20 गज का होता है और ये उसको 5 बार आपको इधर आगे पीछे जाना है। नोट, इस परीक्षण में प्रमाप को बनाने के लिए 6 सिग्मा स्केल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट मोटर फिटनेस टेस्ट, जिसको मैं अगली वीडियो में आप लोग तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू। अच्छा लगा होगा या कुछ सुधार चाहते हैं वीडियो में तो ज़रूर कमेंट करिए। और ये अपना JCR का पूरा स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए एक बार और। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडियन मोटर फिटनेस टेस्ट मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको